वेलकम टू माई चैनल मैं रसोई। और आज मैं दिखा रही हूँ एक और नई रेसिपी, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। गाइस हम लेकर आए हैं भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी, जो आपने कभी भंडारे में खाई होगी या कभी पार्टीज़ में आलू की सब्ज़ी खाई होगी, आलू टमाटर की, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और लोग चाहते हैं कि बार बार मिले और बार बार खाएं। तो आज हम लेकर आए हैं वही भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी, जो बनाना बहुत ही आसान है। उसमें कुछ ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स नहीं डलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे की इन्ग्रीडियंट्स हैं जिससे वो बहुत टेस्टी बनती है। अभी हमने इसमें लिए हैं 4 से 5 टमाटो, देसी टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्च और उबले हुए 1 किलो आलू। मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं हमने, देसी वाले, आप देख सकते हैं छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। बड़े भी होंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सिर्फ हमें आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी है। इसको हमने बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद इसको हमने पिल कर लिया, छिलके अलग कर लिया है, रख लिया है। और अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और उस पर हम रखेंगे कढ़ाई और आगे का हम प्रोसेस करेंगे और उसको हम बनाएंगे कि कैसे बनानी है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही आसान है ये तो रेसिपी। भंडारे वाली जैसे भंडारे में बनती है, जो हलवाई बनाता है वो कैसे बनाता है, वो ऐसी क्या चीज़ इसमें ऐड करता है कि जिससे बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं डली हुई हैं, जो घर में आपके होती हैं वही सब चीज़ें डलती हैं, लेकिन उनका थोड़ा बनाने का स्टाइल अलग होता है। तो चलिए देखते हैं। हमने इसमें 2 बड़े चम्मच लिए हैं सरसों का तेल। अब इसको थोड़ा सा हम हीट होने देंगे, जैसे ही गर्म होगा हम इसमें जीरा का तड़का और अदरक लहसुन, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं, वैसे तो लहसुन भंडारे में नहीं चलता है, तो लहसुन आप अवॉइड कर दीजिए, मैंने भी नहीं इसमें ऐड करा है। तो इसमें हम जीरा, हरी मिर्च, लाल साबुत मिर्च और अगर आपके पास अदरक है तो अदरक के स्लाइसेस आप इसमें ऐड करिए। जैसे ये क्रैक्स होने शुरू हो जाएं, क्रैकल होना शुरू हो जाएं, तो इसमें आप टमाटो ऐड कर दीजिए। अब ये जैसे टमाटो इसमें पकने लगेगा, सीजनिंग होनी शुरू हो जाएगी। ज़्यादा बड़े बड़े डाइस काटने की ज़रूरत नहीं है, मोटे मोटे डाइस भी होंगे तो वो जल्दी सीजनिंग होते हैं। अगर इसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे तो और जल्दी सीजनिंग हो जाते हैं। और वैसे भी ये ऑयल में पक रहा है तो इसका टेस्ट यूनिक ही आता है, बहुत ही औसम लगता है खाने में। और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे अमचूर, ये इसका एक ऐसा इन्ग्रीडियंट्स है जिससे ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगता है। इसमें हम डालते हैं अमचूर पाउडर और हींग। हींग तो जितनी मर्ज़ी आप डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। ये थोड़ा सा पक जाए, इसमें पकने के बाद हम इसमें डालेंगे एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या ये लोग डालते होंगे हलवाई कि अच्छा लगता है, ये है छोले मसाला। इसमें डलता है छोले मसाला, 1 से 2 बड़े चम्मच आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो क्वांटिटी के अनुसार होता है आप कितना बना रहे हैं। 5 किलो का तो पूरा एक पूरा पैकेट डलता है, 1 किलो में 1.5 चम्मच आप ऐड कर दीजिए। इससे इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक बन जाता है। ये थोड़ा सा कलर आपको लग रहा है क्योंकि इसमें हमने छोले मसाला डाला। अब इसमें हम स्वाद अनुसार अपना नमक ऐड करेंगे, आप कोई सा भी नमक, जो भी नमक आप खाते हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं स्वाद अनुसार। और तीखा कैसा रखना है, कम रखना है, ज़्यादा रखना है, वो अपने स्वाद के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जब तक आलू की सब्ज़ी बहुत तीखी ना बनी हो तो अच्छी नहीं लगती, वो भी पूड़ी के साथ। तो मैं इसके साथ पूड़ी ही बनाने वाली हूँ, बिल्कुल वही स्वाद दूंगी मैं जैसे हलवाई देते हैं। इसमें हमने हरी मिर्च ऊपर से डाली, अगर हम उसमें डालते तो वो पक जाती, अब इसमें कच्ची कच्ची रहेगी तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा और मुँह में जब हरी मिर्च आएगी तो बहुत ही अच्छी लगती है। इसका कलर अब चेंज हो रहा है। अब इसमें हमने ये सारे पोटैटो जो पिल करके रखे हुए थे, छिलके उबले हुए आलू, इनको हम मैश कर देंगे और मैश करने के बाद हम इसको ग्रेवी में ऐड करेंगे। और पतली या ठीक ठीक रखनी है या कैसी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है उस हिसाब से हम इसका ग्रेवी बनाएंगे। वैसे तो ज़्यादा पतली होती नहीं है, गाढ़ी ही होती है, ठीक ठीक होती है, तो हम वैसी ही सब्ज़ी बनाएंगे और सर्व करेंगे सबको। अब हमने सारे पोटैटो मैश कर लिए हैं, अब इसको हम जो हमने ग्रेवी बनाई है उसमें हम इसको ऐड करेंगे। देखिए सारे जो टमाटो थे बिल्कुल मैश हो गए हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि इसमें एक भी टमाटो था या है। पूरा ग्रेवी एकदम से स्मूथ बन चुका है,
और ज़्यादा ऑयल भी हमने इसमें ऐड नहीं करा है। कितने लोग होते हैं कि सब्ज़ी में, आलू की सब्ज़ी में जो भंडारे वाली जैसी बनती है, ऊपर से भी छौंका लगाते हैं घी के साथ, जीरा लाल मिर्च, हरी मिर्च का, उससे और भी अच्छा स्वाद आता है। उसमें थोड़ा सा साबुत धनिया भी ऐड करो तो बहुत ही स्वाद आता है। वो अपने अपने तरीके से बनाते हैं लोग, लेकिन मैं बिल्कुल आसान तरीके से बना रही हूँ, लेकिन आई एम श्योर बिल्कुल वैसी ही लगेगी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के अनुसार, कि हमें कैसी ग्रेवी चाहिए, पतली चाहिए, गाढ़ी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको वैसा ही बनाएंगे। हमें ज़्यादा पानी नहीं रखना क्योंकि हमें पूड़ी के साथ खानी है। इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे और इसको सीजनिंग होने के लिए थोड़ा 1-2 मिनट के लिए रख देंगे, और उसके बाद इसको हम गार्निश करेंगे हरे धनिया और कसूरी मेथी से। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, कितने लोगों को पसंद नहीं आती क्योंकि उसमें थोड़ा सा कड़वापन आता है, तो मैं इसको सिर्फ गार्निश करूँगी हरे धनिया से। हरा धनिया चॉप कर लूँगी और इसमें हम ऐड करेंगे। ये 2 मिनट में अब बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। मतलब अगर आपके पास आलू उबले हुए हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, सब कुछ कटा हुआ रखा हुआ है, तो आप 8 से 10 मिनट में ये पूरी रेसिपी बना के रेडी कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में है तो उसको थोड़ा सा डबल कर दीजिए, 20-25 मिनट, बट ये आप जल्दी से बना सकते हैं। अगर कोई आपके घर में मेहमान आए, आप फटाफट बना सकते हैं। तो गाइज़, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पे हिट ज़रूर करें, जिससे आपको पता चलता रहेगा मेरी नई नई रेसिपी आई है। और मैं थैंक यू करती हूँ मेरे ओवरसीज़ फ्रेंड्स जिन्होंने जाम्बिया से मुझे मेरी रेसिपी लाइक करी है, मिस्टर देव का। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ शशि जी का, और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने बॉम्बे से मुझे लाइक किया है। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ, शायद राजस्थान से हैं, उन्होंने मेरी रेसिपी लाइक करी है बाटी वाली। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ बंगाल से, जो अनीता जी ने मेरी रेसिपी लाइक करी है और मुझे सजेस्ट किया है कि और भी अच्छी अच्छी रेसिपी बनाइए। थैंक यू सो मच मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, और अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसे, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे बताइए, तो मैं स्पेशल थैंक्स करूँगी। जैसे मेरे ओवरसीज़ फ्रेंड्स और देखते हैं UK से, UAE से, दुबई से, तो प्लीज़ मुझे शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच। नाउ अब हमारी ये रेसिपी सर्व करने के लिए रेडी है, और अब हम इसको पूड़ी के साथ सर्व करेंगे, और अब हम बच्चों को खिलाएंगे। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी, और थैंक यू सो मच। और ये बहुत ही अच्छा एक अच्छा स्नैक है, और बहुत ही अच्छा नाश्ता है जो आप सुबह सुबह बच्चों को खिला सकते हैं, और बहुत ही सबको पसंद आता है आलू टमाटर की अच्छी वाली सब्ज़ी और पूड़ी। और आप सब घर में बनाइए और सबको खिलाइए। थैंक यू सो मच।